આરએસ જુંજુનવાલા ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ અને લાયન્સ ક્લબ દ્વારા ડ્રાઇવ ટુ ડોનેટનું આયોજન કરાયું હતું. વાપી ચાણોદ ખાતે આવેલી આરએસ જુંજુનવાલા ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ દ્વારા ડ્રાઇવ ટુ ડોનેટ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ગરીબ બાળકો અને વૃદ્ધ લોકોને ફૂડ પેકેટ, બ્લેન્કેટ, ફળ, રાશન, કપડાં જેવી વસ્તુઓનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. કોરોના જેવી મહામારી બીમારી હોવાના કારણે ગરીબ લોકો સુધી આ સ્કૂલ દ્વારા જરૂરતની વસ્તુઓ પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે અને આ સ્કૂલ અને લાયન્સ ક્લબ ઓફ ઉદવાડા સંસ્થા છેલ્લા 4 વર્ષથી આ કેમ્પેઇન ચલાવી રહી છે અને તેનો ઉદ્દેશ એ છે કે અમે આ કામ કરી ગરીબ અને લાચાર લોકો સુધી થાય તેટલી જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓ વધુથી વધુ પહોંચાડવાના પ્રયાસ કરશું. पिछले कुछ समय में इस पेंडेमिक सिचुएशन के दौरान जो एक सामाजिक परिस्थिति हमारे सामने आई है, ऐसे में सभी ज़रूरतमंदों को एक निश्चित मदद पहुंचाने के लिए हम एक विनम्र प्रयास कर रहे हैं. हर साल की तरह आर एस जुंजुनवाला इंटरनेशनल स्कूल ने इस साल भी ड्राइव टू डोनेट का आयोजन किया है, जिसमें हम सभी ज़रूरतमंद गरीब बच्चों बड़ों को जो मूलभूत वस्तुएँ होती है जैसे खाने पीने का सामान, ब्लैंकेट, स्वेटर्स, फल फ्रूट वगैरह का वितरण करते हैं. और इस साल हम कुछ सामाजिक संस्थाओं के साथ भी जुड़े हैं, जैसे लायंस क्लब हमारे साथ जुड़ा है, तो उनके सहयोग से हम इस ड्राइव टू डोनेट के कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं. और इस साल जो हमारी कैंपेन है उसमें खास बात ये रही है कि हमने इस बार जॉय ऑफ गिविंग यानी ड्राइव टू डोनेट का जनरल पब्लिक को भी फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू अपील की थी कि वो इस कोरोना के कठिन समय में अगर कुछ मदद पहुंचाना चाहते हैं ज़रूरतमंदों को तो वो हमारे थ्रू पहुंचा सकते हैं. सो मैं बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ सभी अभिभावकगण की, टीचर्स की, जनरल पब्लिक की, जिन्होंने इस कठिन समय में भी चैरिटी की भावना हमारे साथ दिखाई है और ज़रूरतमंदों के लिए निश्चित मदद हमारे थ्रू पहुँचाई है. और आज के इस शुभ अवसर पे, क्रिसमस के अवसर पे, मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ. आर एस जुंजुनवाला इंटरनेशनल स्कूल ये ड्राइव टू डोनेट अपनी स्थापना वर्ष से अभी तक कंटिन्यू करा हुआ है. इसे करते हुए हमें करीब 4 साल हो गए हैं और हर साल हमें इसी तरीके से लोगों का सहयोग मिलता रहता है. मंजित सिंह, रिपोर्ट, वापी.